सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और बेहद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो बहनों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि पूरे बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखा गया है 30 मई से लेकर 8 जून तक। तो बिहार की जितने भी आंगनबाड़ी सेविका बहनें हैं वो कमेंट कर रही हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप पर हमें अपने आंगनबाड़ी केंद्र का जो स्टेटस है वो ओपन रखना है या क्लोज रखना है, इसके रिगार्डिंग जानकारी दीजिए। तो आज की जो ये वीडियो है वो पूरे बिहार की आंगनबाड़ी सेविका बहनों के लिए है, यानी कि जहाँ जहाँ भी आंगनबाड़ी केंद्र बंद है उसमें आप लोगों को क्या करना है, आंगनबाड़ी केंद्र का जो स्टेटस है ओपन और क्लोज क्या करना है। चलिए इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि ICDS के निर्देशानुसार आप लोगों का जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो 30 मई से लेकर 8 जून तक बंद किए गए हैं, जिसमें कि आप लोगों को लेटर मिला होगा और एक और लेटर बिहार सरकार ICDS निदेशालय की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कि आप लोगों को आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है और पोषाहार वगैरह जो टीचर वगैरह वितरण है वो आप लोगों को होम विजिट करके वितरण करना है। इसके रिगार्डिंग हमने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी है, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। उस लेटर का जो कट ऑफ है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो उस लेटर में बताया गया है कि जितने भी बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को उपस्थित रहकर अपना जो कार्य दायित्व है वो करना है, जैसे कि गतिविधि जो भी होती है वो करनी है और THR पोषाहार वगैरह जो आप लोगों को होम विजिट करके वितरण करना है। चलिए, यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है कि अपना पोषण ट्रैकर ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे डेली ट्रैकिंग वाला ऑप्शन ओपन कर लेना है और ICDS के दिशा निर्देश के अनुसार, जैसा कि आप लोगों को बोला गया है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को केंद्र पर उपस्थित रह के जो गतिविधियाँ हैं वो करनी है, तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि अपने आंगनबाड़ी केंद्र को ओपन रखना है। जी हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र को ओपन रखना है और 8 जून तक आप लोगों को जो आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखा गया है तो पोषण ट्रैकर ऐप पे आप लोगों को अपना अटेंडेंस लगाना है। बच्चों का अटेंडेंस नहीं लगेगा क्योंकि बच्चों का आना मना कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 31 मई 2024 का यहाँ पे आप लोगों को डेट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं AWC फ़ोटो, यानी कि AWC फ़ोटो हम लोग कैप्चर करेंगे या नहीं। तो देखिए, AWC फ़ोटो में जो बच्चों को HCM खिलाते वक्त का जो फ़ोटो है वो हमें अपलोड नहीं करनी है। अगर कोई अन्य गतिविधि करते हैं जैसे कि दूध भराई अन्नप्राशन दिवस अगर करते हैं तो उसका फ़ोटो आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उपस्थिति नहीं बनेगी, बच्चों का सुबह का नाश्ता नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे THR और HCM, तो HCM हम लोग बच्चों को देते हैं तो बच्चों का HCM हम लोग यहाँ पे नहीं भरेंगे। यहाँ पे THR अगर वितरण करते हैं 8 तारीख के पहले तो यहाँ पे आप लोग THR का जो डिटेल्स है उसको भर सकते हैं। जितने भी लाभार्थी को आप लोग THR देंगे होम विजिट के दौरान, तो उसका डिटेल्स आप लोग यहाँ पे गर्भवती महिला, धात्री माता और 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका एंट्री आप लोग यहाँ पे THR वाले ऑप्शन में कर सकते हैं, ठीक है। गतिविधि में आप लोग कोई सभी गतिविधि आप लोग अगर करते हैं तो यहाँ पे आप लोग उसको सेलेक्ट कीजिएगा, वरना इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बाकी पोषण ट्रैकर ऐप में जो भी आप लोग अन्य काम करते हैं जैसे कि नए लाभार्थी को जोड़ना वो काम आप लोग कर सकते हैं, गर्भवती से धात्री में बदलना वो आप लोग काम कर सकते हैं, तो ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप पर काम करना है। देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र सिर्फ बच्चों के लिए बंद किया गया है, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए बंद नहीं किया गया है। तो आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल गई होगी कि बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने के दौरान आंगनबाड़ी सेविका को क्या करना है। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बहनों तक शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।